Everyone, in today's class we are going to learn 11th standard economics lesson number 10, that is economic planning in India. So इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर इसका. सो लेट्स स्टार्ट. ऑलरेडी इसके पहले के सारे वीडियोज़ अपलोडेड हैं. वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखिए ताकि क्लियर दिखाई दे. और आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हो प्ले लिस्ट में. यहाँ पे वर्ड जो दिए गए हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं, जो कुछ आपको अलग ही दिखेगा, क्योंकि आप देखोगे तो आपके हर एक सब्जेक्ट में भी के इको ओसी सब में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो आपके लिए न्यू हैं. सो उनके मीनिंग क्या है यहाँ पे दिया गया है, तो उसे ज़रूर याद कीजिए ताकि आपको उसका मतलब पता चले कि क्या है. ठीक है, नहीं तो उस वर्ड में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं हम. यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस हैं गिवन है यहाँ पे आंसर के लिए. आपको किसी भी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो. बाकी के क्वेश्चन आंसर की वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में. और OCSP के भी मैंने इवन आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेक कर सकते हैं आप. यहाँ पे मैं आपको पूरा पेजेस का भी पिक्चर शो कर रही हूँ ताकि आप पॉज करके पूरा अच्छे से लिख सकें, और जूम इन करके भी बता दे रही हूँ. जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप लिखिए, कंप्लीट कीजिए बुक को. और किसी भी क्वेश्चन आंसर का या चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा. यहाँ पे देखिए नीति आयोग क्या है, तो यहाँ पे देखो दिया गया है 2015 में ये इंट्रोड्यूस किया गया. इसका एम क्या था कि जो एंड एट एक्सपैंडिंग द रोल ऑफ द स्टेट, मेकिंग द स्टेट्स रोल मोर पॉजिटिव इन कोलैबोरेशन विद द सेंटर, है ना. तो ये नीति आयोग था, इसके बारे में पूरा दिया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप.
देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए दिया गया नीति आयोग के चेयरमैन कौन थे, सो हु कौन है, तो वो है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। नीति आयोग ये सेंट्रल लेवल पे ये सारी चीज़ें हुई हैं तो उसके प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन है। हु नॉमिनेट्स द वाइस चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ नीति आयोग, वो भी प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करते हैं। व्हाट आर द पार्ट ऑफ काउंसिल, सो गवर्निंग काउंसिल एंड रीजनल काउंसिल आर द पार्ट ऑफ काउंसिल। सो ये चैप्टर हम देखें तो जीके के अकॉर्डिंग हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके चैप्टर्स के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्जाम से के अकॉर्डिंग तो ये है ही इम्पॉर्टेंट। ओके अब यहाँ पे आंसर जो है डिटेल में दिए गए हैं। व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। सो यहाँ पे देखो दिया गया है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ अ टाइम बाउंड प्रोग्राम टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज बाय द प्लानिंग अथॉरिटी। ये ऑब्जर्वेशन है जो छोटा छोटा लिखा है। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोई और वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए। वैसे मैं आपके जो भी जितने भी चैप्टर्स बाकी हैं मुझे कमेंट्स आते जा रहे हैं, मैं वैसे वैसे मैं सारे ही कंप्लीट कराते जा रही हूँ, ठीक है। कोई और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, एक्सप्लेनेशन चाहिए किसी भी का भी तो आप वो भी बताइए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, एक बार ये भी देख लीजिए आप। ओके अब जैसे यहाँ पे आपने अगर ये याद कर लिया, जैसे कुछ पॉइंट्स याद करने के, जैसे अगर आपने टारगेट्स ऑफ 12th 5-year plan, अब उसमें से ये इम्पॉर्टेंट आपने पॉइंट्स याद कर लिए, क्या है यहाँ पे ये इतने दिए गए हैं 7 ना, तो 7 आपने पॉइंट्स याद कर लिए तो उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, तो पहला क्या था यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, तो अब इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में भी कई सारे सब पॉइंट्स हैं, तो अगर आप ये सब पॉइंट्स याद करते हो ना तो ज़्यादा ज़रूरी हो जा, अगर आप इसमें से 3 भी लिखते हो तो भी चलेगा, ठीक है। 4 दिया हुआ है, आप एक एक पॉइंट कम करते जाओगे, 2 पॉइंट भी कम करोगे चलेगा, नो इशू। बट अगर आप ये पॉइंट्स याद कर लेते हो, इतने सारे पॉइंट्स कवर करते हो, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। सो ये पूरे पॉइंट्स आप लिखते हो ना तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, उसमें से आप जो सब पॉइंट्स हैं उसके मार्क्स, उसके आप पॉइंट्स कम करते जा सकते हो, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे आप 2 भी लिखोगे तब भी चलेगा, 3 भी लिखोगे तो भी चलेगा। अब जैसे ये आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है, स्किप कर दो, ये यही 3 लिखो जो आपको छोटा छोटा लग रहा है, ठीक है। अभी आपको इतना लर्न करने की हैबिट नहीं है, तो उसके बाद इसमें अगर आप ये लिख रहे हो तो अगर आपको ऐसे एक साथ में भी लिखना है तो भी चलेगा, बट अगर पॉइंट वाइज लिखते हो तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, ये बात मैं आपको बता दे रही हूँ। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, अगर आप 2 पॉइंट्स भी लिखते हो तो भी चलेगा। हेल्थ है, हेल्थ में तो 2 ही है तो ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन आप ट्राई कीजिए कि आप जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स जो हैं वो पूरा याद कर लीजिए। कैसे शॉर्टकट में याद कर सकते हैं, जैसे इस इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सबका एक एक वर्ड लेके कुछ इसका आप निमोनिक बना के आप इसे लर्न कर सकते हो। ओके इस तरीके से आप लर्न करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा।
और जैसे यहाँ पे कुछ मैं आपको अगर आइडिया देना चाहूँ तो देखिए, जैसे ये द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग आर एज फॉलोज। अब फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग ये दिया गया है, इसमें देख रहे हैं आप कितने सारे पॉइंट्स हैं। अब इतने सारे पॉइंट्स तो लर्न जल्दी होता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, क्या आइडिया लगा सकते हो, निमोनिक बना सकते हो। जैसे दो बार सी है, ठीक है, तो एक ही बार सी रखो, और या फिर सी टू कर दो, सी टू, तो सी टू से आपको समझ में आ जाएगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस है, एक है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, सी टू से। और जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है, सी से एक और है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, तो थ्री सी थ्री कर दो, एक तो ये दो हो गया और एक ये हो गया, और बस इसे याद कर लीजिए, मतलब पॉइंट्स अगर नहीं याद हो रहे हैं तो। उसके बाद यहाँ पे आप इसका कुछ भी निमोनिक बना सकते हो, जैसे यहाँ पे ओ है फिर पी है, तो आप ऐसे कर सकते हो ना, पहले सी वाला लिख सकते हो, फिर ई, सी डी स्किप कर दो, ई, फिर एफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे एफ है, देखिए सी, उसके बाद ई, एफ, ए भी है, तो पहले ए रख दो, फिर ओ पी एम, ऐसे आप, या फिर कुछ निमोनिक कोई नाम बना लो, ठीक है, इसे शॉर्टकट से कोई नाम बना लो, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये शॉर्टकट होते हैं याद करने के लिए, याद तो आपको करना ही है, जैसे भी आप याद कर सको। और यहाँ पे जैसे ज़्यादा पॉइंट दिए गए हैं, तो आप एक 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 आध पॉइंट, एक आध लाइन स्किप करते जाओगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये आप पॉइंट्स पूरा लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, मार्क्स अच्छे मिलते हैं।